जोखिम लेने का वो जिगरा कहाँ से आता है? ये जेन जी है, ये पीछे नहीं देखती, पलट वार करना जानती हैं। इम्पोर्टेंट ओवर, गई गई गई, गॉन है, ये बहुत दूर गई है। ऋचा घोष भाई इस समय आरसीबी वाले पूछ रहे हाउ द जोश, क्या शॉट लगाया ये। तफारी पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ द मैच भी बन सकती है, तो ऐसा लगा कि अमरेल ना चली जाएगी। 78 मीटर का ये छक्का था, ये ताकत है ऋचा घोष की। बड़ी देर से अपने आप को रोका हुआ था, लेकिन अब छोका था उस गेंद पे। इम्पोर्टेंट ये ओवर है, लेकिन इसको और बड़ा करती हुई यहाँ से, इस बार 4 रन मिलेंगे। 10 रन पहली दो गेंदे, केवल 2 रन दूर आरसीबी जीत से, अपनी पहली जीत से। ये यॉर्कर डालने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो यॉर्कर ठिकाने पे गिरी नहीं, तो भी ठिकाने लगा दिया इस गेंद को ऋचा घोष ने। क्वालिटी वहां पे ऋचा घोष बाहर, वो आरसीबी के फैंस, उनके खिलाड़ी वो मदहोश है इस समय, क्योंकि तो पहली जीत ढूंढ रहे हैं, और पहली जीत हो उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। आज वो स्वाद चख लेगी आरसीबी की टीम। 15 गेंदे 2 रन, जिस लड़ाई की हम बात करते हैं टीम कर सकती है, वो आज दिखा। अच्छी वापसी, इस बार यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन कनिका आहूजा, ये सुपरस्टार, आने वाली सुपरस्टार है, आज एक अहम पारी खेली अपनी टीम के लिए। मैच जीतते आप अंत में, लेकिन मैच बनाने वाली वो खिलाड़ी बनी है। 2 रन, यहाँ वो निकल जाएगी गेंद, 2 ही चाहिए, 2 मिल, अरे मिल जाते ऋचा, अगर आप भागते तो आसानी से मिल जाते। ये अगर पैदल चल के लेना चाहती रन तो वो भी हो जाता, पर ऋचा ने कहा ना, थोड़ा और इंतजार कराना चाहती है अपनी टीममेट्स को, अपने फैंस को। आरसीबी के जो फैंस जो टाटा डबल में अपनी पहली जीत की तलाश कर रहे थे, एक रन का और इंतजार करना होगा। लेकिन क्या मैच रहा है, टॉस जीता, गेंदबाजी का निर्णय, गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी निभाया, उसके बाद बल्लेबाजी शानदार। इस एक रन के साथ पहली जीत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, रॉयल कमबैक बैंगलोर के लिए। 5 मुकाबले लगातार हारे थे, इस मैच में भी 60-4 थे, पर वो जो कनिका है, हर रन में कनिका है, हर कन में कनिका है, वो जीत की जो आस थी वो कनिका है।